बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बगैर बीटर के, बगैर मशीन के और बगैर ही किसी झंझट के वनीला आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। गर्मियों का मौसम है तो दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा खाया पिया जाए, तो मैं आज आपके लिए वनीला आइसक्रीम की एक जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत कम टाइम में और बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बन के तैयार हो जाएगी, और मजे की बात यह कि इसे हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। जब आप ये एक बार वनीला आइसक्रीम अपने घर पर बनाएंगे तो आप मार्केट की छुट्टी करा देंगे, तो इंशाल्लाह आप सभी हमेशा ये आइसक्रीम अपने घर में ही तैयार किया करेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने वनीला आइसक्रीम अपने घर में तैयार करनी है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए वनीला आइसक्रीम की शानदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वनीला आइसक्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक बिल्कुल ठंडा बॉल लेंगे। बॉल को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जबरदस्त सा ठंडा हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप क्रीम के हैं हमारे पास। क्रीम भी बिल्कुल ठंडी है, ठीक है। आपने लाके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। जब आपकी क्रीम ठंडी होगी तो ये बहुत जबरदस्त सी बीट होगी और आइसक्रीम जो है वो बहुत ही क्रीमी बनके तैयार होगी। और मैं आपको आइसक्रीम को क्रीमी बनाने की 1-2 टिप आपको जरूर बताऊंगी, जिससे आप लोग फॉलो करके तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्रीमी जो है आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। 1 कप हम इसमें और ऐड कर देंगे। ये लीजिए, अब हम इसे बीट करेंगे हैंड मिक्सर के साथ। अगर आपके पास बीटर है तो क्या ही बात है, आप इसे बीटर से अच्छे से बीट कर लीजिएगा, ठीक है। बीटर से आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ये आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा। आपने अच्छी तरह से क्रीम को बीट करना है जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए। ये ले जी, यहाँ पर आप देखिए क्रीम को बीट करते हुए तकरीबन हो चुके हुए हैं हमें 15 से 20 मिनट, और आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से साइज में भी डबल हो चुकी है। और इसके अच्छे बीट हो जाने की पहचान मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसको यूं चम्मच पे उठाएंगे तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से गिरेगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपने क्रीम को इसी तरीके से बीट करना है। क्रीम को आप अच्छा बीट करेंगे तो आपकी जो आइसक्रीम है वो भी बहुत जबरदस्त सी बन के तैयार होगी। अगर आप इसको बीटर से करेंगे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट इस मिक्स के साथ अच्छी तरह से बीट किया है। और अब हम इसमें कुछ बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1/2 कप हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क है हमारे पास। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप लोग इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और जो कंडेंस मिल्क है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जरूर वॉच करिएगा। लिंक जो है वो मैं आई बटन में डाल दूंगी, जरूर आप लोग वॉच करिएगा। बहुत इजी तरीके से ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप लोग चीनी को डाल दीजिएगा जब आप क्रीम बीट करने लगे होंगे, ठीक है। पिसी हुई चीनी आप डाल दें चाहे दूसरी डाल दें, वो बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाएगी और अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारे पास वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जबरदस्त सी खुशबू है, आप लोग जरूर ऐड करिएगा। इससे बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम वाली खुशबू इसमें से आएगी। ये ले जी, माशाल्लाह से देखिए आइसक्रीम का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। और इसे यहाँ पर अब हम कवर करके रख देते हैं फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप सोच रहे होंगे आइसक्रीम 2 घंटे में थोड़ी ना जमती है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे क्या करना है। अभी देखिए यहाँ पर इसे हमने बिल्कुल भी आइसक्रीम बॉक्स में ऐड नहीं किया है, इसको हम बाउल में ही रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। मिलते हैं 2 घंटे के बाद और चलते हैं जबरदस्त से स्टेप की तरफ। इतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं 2 घंटे के बाद, जाना आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं है, हमारे साथ साथ जुड़े रहना है। ये ले जी, यहाँ पर हो चुके हुए हैं 2 घंटे इस आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए, और अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 आइसक्रीम जो है वो जम चुकी है और 1/2 अभी रहती है, ठीक है। और इसी पॉइंट पर आकर हम इसे मिक्स की मदद से अच्छी तरह से यूं फेंट लेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि आइसक्रीम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। ये ले जी, यहाँ पर 3 मिनट के लिए आइसक्रीम को हमने हैंड मिक्स से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है और आप देख सकते हैं ये कितनी जबरदस्त सी और क्रीमी सी बन चुकी है, ठीक है।
और अब हम यहाँ पर इस तरह से एक कंटेनर लेंगे। अगर आपके पास कोई सा भी आइसक्रीम वाला डिब्बा है तो आप वो यूज कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ये मिक्सचर ऐड कर देंगे आइसक्रीम का, जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ था, और इसे यहाँ पर हम थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि ये सेट हो जाए, और साथ ही हम इसे कवर कर देंगे ताकि बर्फ के किसी भी किस्म के क्रिस्टल इसके ऊपर न जम सके। अच्छी तरह से आपने इसे कवर कर देना है। अगर आपके पास ढक्कन वाला डिब्बा है तो आप ढक्कन को टाइटली अच्छे से बंद कर दीजिएगा, और इसे यहाँ पर कवर करके हम रखते हैं फ्रीजर में तकरीबन 6 घंटे के लिए। और चलते हैं फिर फाइनल लुक की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी जबरदस्त सी बन के तैयार हुई है। फाइनल लुक को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये लें जी, यहाँ पर हो चुके हुए हैं 6 घंटे वनीला आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए, और आप देख सकते हैं आइसक्रीम जो है वो बड़ी जबरदस्त सी जम चुकी हुई है। और अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कितनी क्रीमी, कितनी जबरदस्त और कितनी शानदार सी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्कूप लेंगे, स्कूप को थोड़ा सा पानी में हम डिप कर लेंगे। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जबरदस्त सी मजेदार सी वनीला आइसक्रीम जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। ये बहुत कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। आप लोग भी गर्मियों के मौसम में इस वनीला आइसक्रीम को अपने घरों में ट्राई करिएगा। ये इंशाल्लाह आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ये बिना मत जाइएगा। जरूर आप लोग इसे ट्राई करिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।